तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स में थर्ड कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट बीपीटी वी कवर्ड. सेकंड कॉन्सेप्ट हाउ टू प्रूव टू ट्राइंगल सिमिलर एंड हाउ टू यूज बाय सीपीएसटी वो हमने देखा. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इन द सिमिलर ट्राइंगल्स इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एसटी सिमिलर ट्राइंगल्स. क्या करना सर इसमें अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं. सुन रहे हैं ये थ्योरम क्या बोलता मालूम. वेरी इंपॉर्टेंट. इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इसका मतलब पहले सिमिलर रहना तभी ये थ्योरम लगा सकते हैं. तो सिमिलर कैसे प्रूव करना. डबल ए या नहीं तो एस ए एस नहीं तो ट्रिपल एस. प्रूव होने के बाद या ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम उनका एरिया इजीली निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालना जैसे मैं पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ फिर एक सम करेंगे. सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन पैरेलल है डी ई. तुम बोलेंगे सर इसमें बीपीटी यूज करना है. नहीं मेरे को तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझाना है. ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. कौन से दो सर. ए डी ई और ए बी सी. कैसे सिमिलर है सर दोनों ट्राइंगल. एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन है कि नहीं है सर. और अगर डी ई बी सी को पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल आ गए. देयरफॉर ए डी ई एंड ए बी सी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिमिलर ए ए सिमिलरिटी. ए ए सिमिलरिटी कैसे. एंगल ए कॉमन आया क्योंकि तो छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल है. एक एंगल तो इक्वल हो गया. और पैरेलल बोल के बोला क्वेश्चन में तुम्हारे दिमाग में आएगा सर पैरेलल बोला तो बीपीटी यूज करना नहीं. अभी हम लोग को एरियाज यूज करना है. तो पैरेलल क्यों दिया वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताने के लिए. बिकॉज वी नीड टू एंगल्स शुड बी इक्वल देन ओनली वी कैन से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इसलिए पैरेलल दिया हम वो हिंट है. तो अपन इसमें बीपीटी बोल के मत सोचना. पैरेलल दिया लेकिन अपने को क्वेश्चन में एरिया ढूंढो बोल रहा. क्या ढूंढो बोल रहा. एरिया. क्या ढूंढो बोल रहा. एरिया. हाँ तो क्या दिया सुनो ध्यान से. क्वेश्चन में दिया सपोज बी सी 3 सेंटीमीटर. सुन रहे क्या. हाँ सर. ई एफ 4 सेंटीमीटर. ई एफ तो है ही नहीं. ठीक है अभी मैं ये मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन था. तो ये पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताएं. अभी क्या बोल सकता मानो एग्जाम में. सुन रहे क्या. हाँ सर. ए डी ई का एरिया कितना पूछ सकता. ए बी सी का एरिया दे देता 54. सुन रहे क्या. हाँ सर. किसका एरिया दे दिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे दिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई पूछ रहा हाउ मच. ए डी ई और ए डी बाई ए बी. ए डी बाई ए बी वो दे दिया 3/5 ऐसे दिया. ये ए डी बाई ए बी दिया पूरा नॉट डी बी. ए डी बाई ऐसा उसका 3/5 दिया. एक का एरिया दे दिया ए बी सी का एरिया दे दिया. किसका एरिया ढूंढो बोला. ए डी. तो ये थ्योरम से पूछ सकते सर कैसा. सर पहले दो ट्राइंगल सिमिलर है ना. सिमिलर अगर दे दिया तो बहुत अच्छा. नहीं दिया तो अपन पहले प्रूव कर दिया कर दिए. अब क्या करेंगे देखो ये थ्योरम क्या बोलता. एरियाज ऑफ सिमिलर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ऊपर लिख रहा हूँ सर. ए डी ऊपर क्यों लिख रहे हैं. बिकॉज ए डी ऊपर है ए बी नीचे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नीचे लिखता हूँ. If two triangles are similar, then the ratio of the divide, ratio of areas of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding sides. Square of the ratio of their corresponding sides. Square of the ratio, ratio of the divide, corresponding sides, corresponding बोलते हो ADE का AD side और ABC का AB side. Corresponding side हो गया ना. AD के नीचे AB आया, AE के नीचे AC आना, DE के नीचे corresponding sides उसी को बोलते हैं. तो बोल रहा कभी भी if two triangles are similar मालूम पड़ गया. समझो क्या मालूम पड़ गया. two triangles are similar. similar मालूम पड़ गया. तो अपन ये लिख सकते क्या लिख सकते सर. area of one triangle by area of another triangle is equal to square of ratio of their corresponding sides. इसका कोई भी साइड ले सकते. समझो मैं इसका ए ही ले रहा हूँ तो इसका ए सी लू corresponding लेना. इसका डी ही ले रहा हूँ तो इसका BC. समझे है. हाँ सर. ऐसा तो ADE कितना है नहीं मालूम ढूंढना है. ओके ना. ABC कितना है 54. AD कितना. AD by AB कितना 3/5 whole square 9/25 आंसर ही आ जाता. देखो
अगर एक कॉन्सेप्ट मालूम 9 बाई 25 और 54 मल्टीप्लाई में गया बिकॉज डिवाइड में ना मल्टीप्लाई हाँ सर सो इफ यू नथिंग विल गेट कैंसिल जो भी आंसर आया सेंटीमीटर या बस एरिया आ गया अगर सेंटीमीटर में दिया हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया तो इसका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में सो हाउ वी कुड फाइंड वन एरिया यू सी एक ट्राइंगल का एरिया मालूम दूसरे ट्राइंगल का एरिया ढूंढ सकते हैं और वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो दे दिया तो स्क्वायर उसका करना सुने अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ क्या बोला बोलो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ यानी सिमिलर प्रूव करना है या गिवन है गिवन है गिवन है तो वो एक काम हो गया वो बोला बी सी इज 3 सेंटीमीटर ई एफ इज 4 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कर सकते कि नहीं हाँ सर कर सकते हैं कर सकते क्या मालूम दोनों ट्राइंगल सिमिलर यस अब ये थ्योरम लगा देंगे ये एरिया बाई ये एरिया या पहले ये बाद में ये कौन सा भी ले लो क्या लेना पहले बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डी ई एफ पहले लेना ठीक है तुम्हें मर्जी कौन सा पहले लेना By area of triangle ABC is equal to square of the ratio of their corresponding sides. EF by BC. EF का कौन सा लेंगे? EF by BC. EF है ना हमारे पास EF ही लेंगे. तुम बोले सर DE भी ले सकते हैं लेकिन DE का कुछ measurement दिया क्या? क्या ले लेता हूँ? EF. यहाँ corner का ले रहा हूँ तो इधर भी corner का लो कौन सा? EF दिया तो इधर? BC. DEF नहीं मालूम क्या? नहीं. वही ढूँढना है. ABC कितना? 54. EF कितना? 4. BC कितना? 4/3. 16/9. तो area of triangle DEF is equal to 16/9 into 54. 9 × 9 = 16, 6 × 96 cm². If you know ये theorem समझ में आया? ये third concept areas of similar triangle. याने ये कब use करना? When the two triangles are similar. And when to use that? If in the question if he is asking you to find the area, if he is asking you to find the area, area एक triangle का दिया और दूसरे triangle का area पूछ रहा, तो उसके ये हम लोग theorem use कर सकते हैं, but use करने के लिए इसके दो condition, दो चीज़ हैं, एक क्या है? Triangle should be similar. Similar रहना, okay similar already दे दिया तो अच्छा है, नहीं तो अपन double ऐसे या कैसा prove कर सकते हैं? फिर theorem कैसे लगाना second, कैसे लगाना मालूम रहना? एक ट्रायंगल का एरिया बाय दूसरे ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द अदर करस्पोंडिंग साइड्स करस्पोंडिंग साइड्स कौन सा लेना सर ईएफ बाय बीसी भी ले सकते हो होल स्क्वायर डीई बाय एबी होल स्क्वायर डीएफ बाय एसी होल स्क्वायर तीन ले सकता हूं लेकिन यही क्यों लिया बिकॉज़ इसका मेजरमेंट मालूम मेरे को कोई और का मालूम डीएफ और एसी का तो मैं डीएफ बाय एसी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और एक एक क्या लिख सकता हूं डीई बाय ए बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ लेकिन उसका मेरे पास है नहीं सो जो है वो लिखना तीन रहते हैं तो मैं एक ही लिखा तो ये जो होल स्क्वायर है ना वी कैन राइट इन थ्री साइड्स आल्सो क्योंकि ट्राइंगल में कितने रहते हैं तीन लेकिन मैं कितने में लिख रहा हूँ एक में क्यों बिकॉज मेरे को एक का ही मेजरमेंट मालूम और बस एक ही लेकिन अपन चाहे तो इज इक्वल टू में और दो साइड्स रहते ना और कौन सा डी एफ बाई ए सी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं डीई बाई ए बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ वन ट्राइंगल बाई एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स तो तीन तीन साइड्स रहते करस्पोंडिंग ये एक हुआ फिर एक और एक तीन भी रह सकते तीनों में से कौन सा लेके इंस्टॉल करना है तुम कर सकते मैं ये वाला क्यों लिया बिकॉज मेरे पास इसका मेजरमेंट दिया है इसका नहीं कुछ और का दिया तो मेरे पास और एक एक भी है उसका नहीं तो और एक एक भी है कोई भी एक लेके कर सकते तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी इजी जस्ट दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला One area by one area, square of the ratio of the corresponding sides. When to use this? If two triangles are similar and he is asking you to find the area. एक area दिया, एक area? नहीं दिया. तब ये करना नहीं तो नहीं. तुम बोले सर parallel दिया, लेकिन area पूछ रहा find करो. तो अपन PPT का दिमाग नहीं लगाना, अपन सोचना कि वो दोनों triangle को क्या करना? Similar, similar prove करके ratio of the corresponding sides लेके area ढूँढना. ठीक है?